तो हाँ जी, की हाल चाल ने सारिया का? सत श्री अकाल, आदाब एंड नमस्ते। अज की वीडियो अपनी सिर्फ इस करके आ क्योंकि ना मैनू कई वीरां दे मैसेज आते पे सी, अपने ते कई दोस्तों मित्रां दे भी, कि असी मलेशिया आना वा ते इत्थे की सैलरी आ, किवें रूम रेंट आ, ते किवें ग्रोसरी आ, ते किवें की आ। अज थोनू सारा दसूंगा थोनू वीडियो दे विच, कि इत्थे किन्नी सैलरी आ ते किन्ने पैसे लगदे आउण नू, ते इत्थे रूम दा रेंट किवें आ, ते ग्रोसरी दा किवें आ, सब कुछ दसूंगा तुम्हें अज मैं इस वीडियो ठीक है। के ना। कि इतने जे आना वा तो यही आ अपना, कि 2 लाख रुपया तो अपने इतने आने लग जाता आराम नाल, तो जे तो आप टूरिस्ट होना, टूरिस्ट तो वही 70-80 हज़ार रुपया लगता सारा कला इन्ना की। जे आप टूरिस्ट होना, जे आप आना वीजे पर, वह वही 1,60,70,80 इन्ना का सारा लगता वा, इस तो ज़्यादा नहीं। ते बाकी जी जी मेन गल है कि इतने रूम रेंट, कई तो इतने रूम अपन फ्री भी मिल जाते कंपनी के विच। जिते मैं रहना इतने रूम हैगा कंपनी का, अपन फ्री आ रूम कंपनी का अपन जिसे मैं रहना वा। ते रह गया जरा वा ग्रोसरी का, जरा ग्रोसरी का सिर्फ जिमें कि जे तो यार बंदा है वा वैष्णो, वह फिर तो वह 200 200 के सर जाना है, बात तो सही है। 200 लास्ट आते। जो बंदा चिकन खाता उ 300 के करीब पहुँच जाना वा, तो उही क्योंकि दारू दूर आप पीते नहीं है आप, जो दारू पीता होगा उ 400+500 चल जाना आराम ना खर्चा, जो बंदा पीता वा। नचिया ते मेन रहेगी सैलरी गल, सैलरी दी वक्खो वक्खरी आ, क्योंकि इसे बेसिक सैलरी हैगी 1800, सारी बेसिक सैलरी हैगी 1800 रुपया, ते बाकी उत्थे ओवर टाइम मिल जाता वा, जिवें कि वो आपकी 8-9 घंटे ड्यूटी तो वैसे ही लेंदे आपकी, वो ते बाकी जिहड़ा हुंदा उन्हां दा या ओवर टाइम लाउणा, 2 घंटे भी लवा लैंदे, कदे 3 घंटे भी, कदे 4 घंटे भी, यानी कि मोस्टली इत्थे 4 घंटे लगते आराम नाल, इत्थे आराम नाल 3-4 3-4 बस इन्ने लगते आराम ना, क्योंकि सैलरी होंगी मेन मेन 1800, वही जो आप ओवर टाइम पाइए तो 2600-2800 आराम निकल जाती है पैसा ही पैसा हो गया। सैलरी जे किसी वीर ने आना वा, क्योंकि जे आप इतने टूरिस्ट आने हाँ, तो एक मेन गल थी मेरे वीर की कि असं टूरिस्ट आईए कि ना आईए, कि मेरे टूरिस्ट इतने कदे ना आई, क्योंकि ना टूरिस्ट इतने आओगे तो 2023 वाले का वीजा नहीं लगता पाया कोई भी, एवं मेरा भी आके फसोंगे इतने तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि जे इतने थोड़ा इमीग्रेशन ने चक लिया थोड़ा आके इतने, थोड़ा तो बाद सीधा थोड़ा उन्होंने इंडिया डिपोर्ट ही मारना चक के उन्होंने, थोड़ा उन्होंने होर कुछ नहीं करना, तो पैसे लगनगे अलग, थोड़े उत्ते फाइन लैणगे अलग, बाकी वो जिम्मे 1-1.5 लाख तो थोड़ा तभी पै ही जाना वा जे थोड़ा फड़ लिया उन्होंने थोड़ा, क्योंकि वीजा लगता नहीं पाया, तो जे वीजा लग भी गया सैटिंग, क्योंकि अपने तो है एजेंट जे जे सैटिंग लवा देंगे, क्योंकि इतने का पहला तो कुछ होंगे नहीं, तो जो आप इंडिया जाना होंगे ना उदो इमीग्रेशन चक दी उत्थे आपां, क्योंकि वो आपां नूं इही आ कि उहदे नाल वधिया है कि पहलां ही आपां इंडिया उत्ते आपां 1 नंबर ते जाइए तो वधिया गल आ, क्योंकि मैं भी पिछले साल अक्तूबर के आया सी 4-5 तरीक नूं, इत्थे 4 कि 5 तरीक सी इन्नी सी उदो जदों मैं आया सी, मैं भी टूरिस्ट वीजे ते आया सी, ते मैं 6 महीने वेला रहा सी, मैं 6 महीने वेला, ये देख लो कि वो 6 महीने कि वो कम नहीं मिलता पिया सी इत्थे, 6 महीना वेला भी रहा, तो 2 नंबर च भी रहा नाले मैं, क्योंकि काम मिलता नहीं पाया सी उदो, क्योंकि टूरिस्ट आए थे उदो नाले वीजा भी खत्म हो गया सी, क्योंकि जेडे टूरिस्ट से जेडे टूरिस्टों को वीजा नहीं दिता सी कोई, इधर कोई भी टूरिस्ट सॉरी मैं वीजा कहना वा सॉरी, इधर काम नहीं दिता पाया सी कोई भी टूरिस्ट नूं, माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, क्योंकि टूरिस्ट नूं जदे भी वो चक दी इमीग्रेशन, तो इमीग्रेशन चक दिया तो पहला एक्शन आता वो जो मालक है उसका, बात तो सही है। जो मालिक आदि एक्शन होता कि बाद भी 2-3 लाख लग जाए इंडिया, जिम्मे इधर 10-12 हज़ार लग जाता आराम ना एक बंद के, तो पहले ही कहना कि यार जिन्हों का वीजा लग्या हुआ जब परमानेंट है वा उन्होंने को आपका जो बंदा सैटिंग लवा लेंदा वा तो उन्होंने कम से रख लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा यही गल कहूँगा टूरिस्ट ना ही होते भुलेखे जी इधर कि वो क्या जिम्मे कहता कि थोड़ा टूरिस्ट तो मैं जिम्मे वो करा दूंगा वर्क परमिट च करा दूंगा, कि वो कोई कोई होंगे जरा करा दे, नहीं तो सारे इतने ठगी वाले बंदे ही आ, सबके सब काम चोर हैं साले एशिया खास करके, क्योंकि इतने जो बंदा आता नहीं
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਡ ਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਆ ਬੋਲਾ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਜੰਟ ਪੁਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਨਾ ਆਈ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 25 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ 100-120 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜੋ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ 4,000-4,500 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।